बात करेंगे। मैडम, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर कला मंदिर द्वारा जो प्रस्तुति हुआ, आप भी इसको देखिए मैडम, क्या इसके बारे में बताइए कैसा लगा? यहाँ जो भी उपस्थित कलाकार थे, जो भी हमारे बच्चियाँ थी, काफ़ी अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी है। उनकी प्रस्तुति हमारे देश के जो हमारे शहीद जवान हैं, वीर सपूत हैं, उनके लिए समर्पित थी और सभी को उनके लिए यह श्रद्धांजलि एक तरह से थी। थैंक यू मैडम। सर, आपको कैसा लगा? चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा लगा मैडम। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद मैडम। और उनके साथ उनके पिता श्री श्री सुनियाल जी पचास सालों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। इस सुनियाल जी, इंदर भैया, अनिल भैया पचास साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तालाबंदी है, आने को आई आजादी मगर उजाला बंदी है।
अब उजाला की किरण दिखाई पड़ने लगी है और लगता है कि आने वाले दिनों में आज के हमारे सभी प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, करना बहुत चाहता हूँ लेकिन ज़्यादा देर नहीं करना चाहूँगा, बहुत कम है बस हम समय तक आप बैठे रहें, यही उनकी गुजारिश के साथ बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। लेकिन एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि हमारे संगीत के महारथी हमारे मित्र इंदर जी संगीत के कार्यक्रम को आज तक बचाए रखे हुए हैं, जिसको संगीत बोलते हैं, जो संगीत सुन के आत्मा तृप्त हो जाए वो संगीत यहीं पे देखने को मिलता है। और पता नहीं माँ सरस्वती की कैसी कृपा है कि हमारे शहर में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, आप उन कलाकारों को ध्यान से सुने और गंभीर कीजिएगा कि जो शालीनता जो इस कार्यक्रम को करने के लिए क्या क्या उन्होंने किया और कितनी कठिनाई से, मैं यहाँ से पिछले पंद्रह तारीख को ही चला गया था और अनएडवाइजेबल सर्कम स्टांसेस हमारे साथ था इसलिए इंदर जी का साथ भी नहीं दे सके और इंदर जी इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप करते रहें, धन्यवाद, जय हिंद। इस बीच हमारे कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है और हम लोग अपनी भाषा में कहें तो हम आजादी का प्लैटिनम जुबली मना रहे हैं। तो इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अब ज्यादा देर न लेते हुए मैडम अभी शुरू से देख रही है प्रोग्राम को, कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, 75वीं एनिवर्सरी में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम पूरा इंडिया में सब जगह होना चाहिए, टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स का ज़्यादा पार्टिसिपेशन, आपके स्कूल की भी छात्राएँ थी इसमें पार्टिसिपेट की है? हाँ सर,